इन दिनों हमारे देश में हिंदी भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जहां कोई हिंदी भाषा के समर्थन में उतर रहा है तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वैसे हिंदी भाषा को लेकर विवाद हमारे देश की आजादी के समय से ही देखने को मिला है, लेकिन इन दिनों यह मुद्दा एक बार फिर से गहरा गया जब साउथ सिनेमा के हिट माने जाने वाले विलेन किच्चा सुदीप के एक हिंदी को लेकर दिए गए बयान पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन का ट्विटर पर किच्चा सुदीप को टैग करते हुए जवाब आया, जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। लेकिन ट्विटर पर की गई आपसी बातचीत में यह मुद्दा उन दोनों के द्वारा शांत हो गया, लेकिन देश भर में भाषा की इस चिंगारी ने आग पकड़ ली, जिसके बाद राजनेता समेत कई भाषाओं के दिग्गजों को, यहां तक कि आम लोगों को भी इस भाषाई विवाद में गोते लगाते देखा गया। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दरअसल किच्चा सुदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही हैं। मैं इस पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। हिंदी अब नेशनल लैंग्वेज नहीं रह गई, आज बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही हैं। बॉलीवुड वाले तेलुगु और तमिल फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम वे फिल्में बना रहे हैं जो दुनिया भर में देखी जा रही हैं, जिसके बाद किच्चा सुदीप का ये बयान काफी वायरल हो गया और इस मुद्दे को फ्लावर से फायर बनने में देर नहीं लगी। कोई साउथ एक्टर के सपोर्ट में आया तो किसी ने उनकी जमकर क्लास ली, लेकिन असल मामला तब शुरू हुआ जब अजय देवगन ने किच्चा सुदीप को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, मेरे भाई आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जनगण मन, शायद आपको भी ये ट्वीट जरूर दिखा होगा। जिसके बाद किच्चा सुदीप ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। किच्चा सुदीप ने लिखा, सर मैं देश की हर भाषा से प्यार करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। इस टॉपिक को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यह लाइनें संदर्भ से पूरी तरह से अलग है। आपको हमेशा प्यार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद किच्चा सुदीप ने लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, हेलो अजय देवगन सर, उम्मीद करता हूँ ये बात आप तक पहुँच गई होगी। जिस संदर्भ में मैंने कहा था वो लाइन पूरी तरह से अलग है। यह किसी को हर्ट करने, उकसाने या कोई बहस शुरू करने के लिए नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूंगा? जिसके बाद इन दोनों अभिनेताओं के बीच यह मामला शांत हो गया था, लेकिन भाषा की यह चिंगारी अब आग में तब्दील होने लगी, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा विवाद नहीं था जो शांत हो जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया भी भाषाई विवाद में कूद गए। उन्होंने अजय देवगन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और न कभी होगी। सिद्धरमैया ने आगे लिखा, हमारे देश की भाषाई विविधता का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। कॉन्ट्रोवर्सी के लिए मशहूर कंगना रनौत ने भी इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहने में अजय देवगन गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने का अधिकार है। कंगना रनौत ने यह भी कहा कि हिंदी के राष्ट्रीय भाषा होने से इनकार करना संविधान को इनकार करना है। हाँ, ये सच है कि फिलहाल हिंदी हमारी राजभाषा है और भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सच्चाई यही है और इसे कोई झुठला नहीं सकता। आप यह जानते होंगे कि लगभग सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है और उन देशों के लोग अपनी राष्ट्रभाषा को बोलते हैं। रही बात अंग्रेजी की, तो आज के समय में अंग्रेजी भाषा को एक वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो कि पूरे विश्व को कनेक्ट करती है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन यह मांग शायद ही पूरी हो सके। हालांकि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इसकी शुरुआत कर दी है, जहां भारत के सभी राज्यों के लोगों को हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। लेकिन एक सवाल हम सबके जहन में जरूर उठता है, आज विश्व भर में हिंदी सीखने और बोलने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमारे भारत देश में लोग हिंदी बोलने और लिखने से क्यों कतराते हैं?
तो चलिए अब हम एक बार फिर से साउथ सिनेमा पर आते हैं, जहां साउथ की कई फिल्में कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, हिंदी समेत अंग्रेजी में भी रिलीज की जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें सबसे ज्यादा पैसा हिंदी भाषा ही उन्हें देती है। डब किए जाने की वजह से अब भाषा को लेकर कोई मसला नहीं रह गया। जहां हमने देखा कि साउथ की फिल्में बाहुबली, आरआरआर, केजीएफ 2 को हिंदी भाषा में लोगों ने कितना पसंद किया, जिसकी वजह से यह फिल्में नया कीर्तिमान रच रही हैं। हमारे देश में हर भाषा का महत्व है। अक्सर कहा जाता है कि हमारे यहाँ कोस कोस पर पानी और वाणी बदलती है, लेकिन एक भाषा जो सभी को एक साथ जोड़ती है वो निश्चित ही हिंदी है। इसलिए हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारी पहचान है, जिस पर हमें अफसोस नहीं गर्व करना चाहिए। आपकी क्या राय है हिंदी भाषा को लेकर, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।